रामायण हो, गीता जी हो, भागवत हो, शिवपुराण हो, आदिक आदिक जितनी भी पुराण हो, उनको केवल लपेट कर कपड़े में अलमारी में रखने के लिए नहीं है। आज अगर सनातन धर्म की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों को अपने पुराणों का, अपने शास्त्रों का थोड़ा थोड़ा अध्ययन कराइए, अपने पुराणों का, अपने शास्त्रों का थोड़ा थोड़ा अध्ययन कराइए, बहुत जरूरी। तो ये नांदेड़ की जो पवित्र धरा है, नांदेड़ की जो पवित्र भूमि है, जहां आप और हम कथा का स्पान कर रहे हैं, माँ गोदावरी के तट पर बैठकर कथा का स्पान कर रहे हैं, इस पवित्र भूमि पर माँ गोदावरी को भगवान शंकर ने ज्ञान उपदेश दिया है। और शंभु चरने पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काट दया करी ने दर्शन शंभु चरने पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी ने दर्शन। एक क्षण, एक मिनट, एक पल, एक घड़ी अगर हमें भगवान शिव की स्तुति करने को मिल जाए बहुत उत्तम। फिर कहेंगे तीन घंटे की कथा में से, ढाई घंटे की कथा में से ढाई मिनट शिव को देना। बैठो ढाई घंटे, बैठो तीन घंटे, पर एक क्षण अपना निकालकर भगवान को प्रदान करिए। एक क्षण एक माँ अपने बच्चे को भोजन करा रही है, एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, भोजन करा रही है, उसका ध्यान कहीं और भी है, 50 काम में ध्यान लगा हुआ है और बच्चे को थोड़ा सा रोटी का निवाला हाथ में पकड़ा कर जाती है, रोटी का टुकड़ा बच्चे के हाथ में पकड़ा कर जाती है, ले जल्दी इसको फिनिश कर, जल्दी खा इसको, जल्दी खत्म कर इसको। माँ ने बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा पकड़ाया, माँ ने बच्चे के मुख में रोटी का टुकड़ा दिया और माँ फिर काम में लग गई, फिर काम में लग गई, फिर काम में लग गई। बच्चा रोटी के टुकड़े को हाथ में लेता है, फिनिश नहीं करता, उसको तोड़ेगा, मरोड़ेगा, फेंकेगा, कहीं इधर डालेगा, कहीं उधर डालेगा, कहीं जाएगा, घूम फिर कर आ जाएगा। माँ ने उसके मुँह में रोटी का टुकड़ा दिया, बच्चा उसको चबाता नहीं है, मुँह में ही भर के रखता है और मुंह में भरा भरा यहां घूमेगा, माँ घूमेगा, जाएगा, आएगा। फिर इतने में माँ चिल्लाएगी, फिनिश करा, मुंह खोल के बता, जल्दी मुंह खोल। मालूम पड़ा कि मुंह में गप्पो जैसा भरा पड़ा हुआ, फिनिश नहीं कर, मुख में भरा पड़ा हुआ। फिर वापिस माँ आई और माँ ने फिर कहा, ले ये रोटी का टुकड़ा ले, जल्दी से फिनिश कर। अब माँ का ध्यान मोबाइल में है, माँ का ध्यान रसोई घर में है, माँ का ध्यान सिलाई में है, माँ का ध्यान दूसरी जगह लगा हुआ है, माँ का ध्यान झाड़ू पोछा में लगा हुआ है, माँ का ध्यान 50 जगह पर लगा हुआ है, और उसका ध्यान बच्चे को रोटी जरूर पकड़ाई है, बच्चे को रोटी का टुकड़ा जरूर दिया है, पर बच्चा फिनिश नहीं कर रहा, पेट भर नहीं रहा। हाँ, अगर माँ जितना रसोई घर में ध्यान दे रही है, माँ जितना सिलाई में ध्यान दे रही है, माँ जितना मोबाइल में ध्यान दे रही है, माँ जितना इंस्टाग्राम पर ध्यान दे रही है, माँ उतने ही दिल से बेटे के पास में बैठती और दो रोटी का टुकड़ा अगर दिल से खिलाती तो बच्चा उसी समय पर फिनिश भी करता और खा भी। हृदय, दिल, मन, चित्त, वृत्ति व्यक्ति को देना। आप में से कई लोग ऐसे बैठे होंगे जो रोज शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते होंगे, रोज शंकर जी के मंदिर जाते होंगे, रोज शंकर जी के मंदिर जाकर श्री शिवाय जम के बोलो जरा, श्री शिवाय,
नमस्तुभ्यम। बोलबम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है, जरा जम के बोलो। बोलबम का नारा है, सारी समस्या का हल। अब एक क्षण के लिए, एक मिनट के लिए आप जरा विचार करिए, रोज मंदिर जा रहे हो, रोज शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो, रोज प्रतिदिन शिवालय जा रहे हो, रोज शंकर के मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, लगे लगे। प्रतिदिन लगे। अब जरा विचार करना, तुम्हारी एक पड़ोसन शंकर जी का पशुपति व्रत करी, शंकर जी के मंदिर गई, शंकर जी को जल चढ़ाया और बाबा ने उसकी तुरंत सुनी और बाबा ने उसका भंडार भर दिया। अब तुम रोज मंदिर जा रहे हो, रोज झाड़ू भी लगा रहे हो, रोज सेवा भी कर रहे हो, फिर भी नहीं सुन रहा। क्यों नहीं सुन रहा? उसका केवल एक कारण, बच्चे को रोटी का टुकड़ा तो दे दिया पर समय दिल मन से उसको नहीं खिलाया। बच्चा मुंह में भर कर बैठा रहेगा, खाएगा नहीं। उसी तरह मंदिर रोज जाओ, एक लोटा जल रोज चढ़ाओ, शंकर जी का गुणगान रोज गाओ, सावन के महीने में दो लोटा जल रोज चढ़ाओ, रोज शंकर की स्तुति करो। पर याद रखना, तुम्हारा अगर आधा घंटा मंदिर में निकल रहा है, 20 मिनट मंदिर में निकल रहा है, 25 मिनट तुम मंदिर में निकाल रहे हो, तो 25 मिनट में से कम 5 मिनट ऐसा होना चाहिए कि शंकर तुम्हारे दिल में और तुम शिव के दिल में विराजमान होना चाहिए, तो समझो कि जल चढ़ा। तो जानो कि शंकर की स्तुति हुई। और आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह। क्यों नहीं आए, किस लिए नहीं आए, पता नहीं। जाओ शिवालय, जाओ देवालय, जाओ शंकर के मंदिर, थोड़ा चित्त लेकर जाना, थोड़ा मन लेकर जाना। शिव महापुराण में महत्तम में देवराज नाम के ब्राह्मण का बड़ा सुंदर चरित्र है। कभी मंदिर नहीं गया था, कभी शंकर की देहली नहीं चढ़ा था, कभी शिवालय नहीं गया, और ये बहुत समझने वाला विषय है महाराज जी। मेरी नांदेड़ की जीजियों से निवेदन है और जितने मेरे जीजा बैठे हैं इनसे भी निवेदन है, और जितना मेरी बेटी बेटा उन बैठे हैं इनसे भी निवेदन है। शिव के शिवालय में, शंकर के मंदिर में, शंकर की चौखट पर व्यक्ति ऐसे ही नहीं पहुंचता। शिव महापुराण में कोई ऐसे ही नहीं पहुंचता। यहां जितने शिव महापुराण की कथा में बैठे हैं, पंडाल के बाहर हो, पंडाल के पीछे, पंडाल में तो कहीं जगह है नहीं, पर पंडाल के बाहर धूप में जहां लोग बैठे हुए हैं, अपना अपना चादर लगाकर, अपना छाता लगाकर, अपनी पानी की बॉटल रखकर, जहां जहां लोग बैठे हुए, जितनी जितनी जगह बैठे, शिव महापुराण में कोई ऐसे ही नहीं पहुंचता। शिवालय में अगर जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, शंकर के मंदिर में जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा में जा रहे हो, शंकर की चौखट पर जा रहे हो, द्वादश ज्योतिर्लिंग पर जा रहे हो, शंकर के शिवालय में, शंकर के मंदिर में जा रहे हो, भगवान शंकर की पवित्र कथा शिव महापुराण में जा रहे हो, तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं है कि तुम मंदिर में चले जाओ, तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं है कि तुम शिवालय में चले जाओ, तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं है कि तुम शिव महापुराण की कथा में चले जाओ। वो तो मेरे देव अधिदेव महादेव ने तुम्हारे भाग्य में लिखकर रखा होगा तो तुम शिवालय जाओगे, तुम शिव महापुराण की कथा में जाओ, उसने लिखा होगा। तो वरना
कई कई लोग ऐसे भी हैं नांदेड़ में जो तैयारी करके बैठे होंगे, मैं जाऊंगी कथा में, हमारे नांदेड़ में कथा हो रही है, मैं जाऊंगी कथा में, मैं जाऊंगी कथा में। मालूम पड़ा कि जाने के दो दिन पहले, एक दिन पहले ना जाने कौन सा काम अटक गया और मालूम पड़े मैं आई नहीं पाई कथा। वो गीत है ना, सारी की सारी तैयारी रह जाती, मानो हमारा एहसान कि दूल्हे ने हाँ भर दी। वो वाला हाल है कि अगर कथा चालू होने वाले दिन तुम पंडाल में पहुंच जाओ, पहुंचने के बाद बड़े प्रसन्न चित्त में एक स्माइल भोलेनाथ को जरूर देना कि तुझे धन्यवाद कि तू मुझे बुलाई लिया, ये तेरी कृपा। कभी कभी जरूरी नहीं है कि तुम सेल्फी किसी के साथ लो, सेल्फी का मतलब है अपन और महादेव, बस वो होना चाहिए। दुनिया के लोगों को लग रहा है कि ये अकेली की फोटो है, अकेली की, पर नहीं, कथा के पंडाल में, भगवान शंकर की कथा में, शिवालय में व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, भगवान शंकर उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते। अकेले का फोटो, एक प्रसन्न चित्ता तुम्हारे भीतर होना चाहिए कि मैं शंकर के साथ, शिव के, शंकर मेरे साथ, मैं शिव की और शिव मेरे हैं। इसके सिवाय बहुत प्रसन्न होना बहुत। और जितने लोग बैठे हैं ना, सब अपने अपने घर जाके थोड़ी नजर उतरवा लेना, बाबा ने बड़ी कृपा करी है, सावन के महीने में शिव महापुराण की कथा मिली, बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए। और जब हमारा सर्वस्व, हमारा सब कुछ हम बाबा को दे देते हैं ना, तो फिर हमारा जब कुछ भी नहीं है, सब कुछ बाबा का, बोलबम का नारा है बाबा एक साथ, सब कुछ बाबा पर सौंप दिया, तो फिर वो बाबा जा, फिर वो बाबा के हाथ। पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, ढोंग की जिंदगी जीने से अच्छा है कि ढंग की जिंदगी जी, ढोंग की जिंदगी से अच्छा है ढंग की जिंदगी जियो। ढोंग की जिंदगी में एक ना एक दिन धोखा मिलेगा, और ढोंग की जिंदगी में एक ना एक दिन तुम खड्डे में जाकर गिर जाओगे। अगर ढंग की जिंदगी जियोगे तो एक दिन मेरा भोलेनाथ तुम्हारा हाथ पकड़कर आगे बढ़ाकर ले। ढोंग की जिंदगी में सुख नहीं है, ढोंग की जिंदगी में सुख नहीं है। सावन का महीना आया, लोगों ने त्रिपुंड लगाया, सावन का महीना आया, लोगों ने शिवालय जाना चालू करा, सावन का महीना आया, लोगों ने बेलपत्री और फूल भगवान को चढ़ाना प्रारंभ करा ना। सावन का मतलब क्या है? सावन का मतलब क्या है? संसार के प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक क्षण में, संसार के प्रत्येक पल में, संसार के प्रत्येक घड़ी में, संसार के प्रत्येक पल घड़ी में, हर समय हर नक्षत्र में तू प्रभु का बन जा, भगवान शंकर का बन जा, प्रत्येक घड़ी में, प्रत्येक पल। शिव का भक्त कभी किसी मुहूर्त का इंतजार नहीं करता, शिव का भक्त कभी किसी मुहूर्त का इंतजार नहीं करता। इसलिए आज भी शिवलिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत अगर यहां पर कोई शिवलिंगायत संप्रदाय के अगर कोई बैठे होंगे तो उनको मालूम होगा, शिवलिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत आज भी बच्चा जन्म लेता है और जन्म लिए बच्चे के कान में शिव मंत्र दिया जाता है, तब जाकर मां उस बच्चे को दूध पिलाती है। आज भी
कोई मुहूर्त नहीं देखा, कोई मुहूर्त नहीं देखा गया कि बच्चे को दूध किस दिन पिलाना है। नहीं, बच्चे ने जन्म लिया, जल्दी से गुरु मंत्र दिया जाए, जल्दी से शिव मंत्र दिया जाए और शिव मंत्र देकर बच्चे को दूध पिलाया जाए। यहाँ मुहूर्त नहीं देखा जा रहा कि किस मुहूर्त में बच्चे को, बच्चा बिलख रहा है, रो रहा है दूध पीने के लिए, इतने में तुरंत उसको शिव मंत्र दिया जाता है। शिवलिंगाय संप्रदाय में जब तक बच्चे को दूध नहीं पिलाया जाता जब तक वो बच्चे को मंत्र ना मिल जाता। अब बच्चा बिलख रहा है और कोई सोचे कि नहीं आज का मुहूर्त अच्छा नहीं है, कल कल बच्चे को दूध पिलाएंगे, कल बच्चे को मंत्र दिया जाएगा और कल उसको दूध पिला ना। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को रिझाने के लिए, भगवान शंकर को पाने के लिए, शंकर भगवान का गुणगान करने के लिए, शिव स्मरण करने के लिए, शंकर की स्तुति करने के लिए, शंकर भगवान के गुणगान को करने के लिए एक क्षण की भी देरी नहीं होना चाहिए। जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए, जिस दिन तुम्हारा चित्त कर जाए, जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए, उस दिन तुम भगवान शंकर के मंदिर चले जाओ। सावन का इंतजार मत करना कि सावन आएगा तो त्रिपुंड लगाऊंगा, सावन आएगा तो मैं बेलपत्री चढ़ाऊंगा, सावन आएगा तो मैं शिमला ले जाऊंगा। सावन का इंतजार मत करिए, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक पल, प्रत्येक समय में शंकर के मंदिर में जाकर अपने दिल की बात एक बार बैठकर देवदिदम महादेव से कहना प्रारंभ करिए। देवदिदम महादेव तुम्हारे दिल की बात को सुनेगा, स्मरण करेगा। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटू, दया करी न दर्शन। शिव बुलाते, ढोंग की जिंदगी से दूर हो जाओ और ढंग की जिंदगी जीना प्रारंभ करो। हो गया समय, तुमने सोचा कि मैं तिलक लगाकर भगवान शंकर को रिझा लूंगा ना। प्रत्येक दिन केवल श्रावण का इंतजार नहीं करना, प्रत्येक पल केवल सावन का इंतजार नहीं करना। अभी कथा के बीच में जन्माष्टमी भी पड़ेगी, बोलो तो सही है, पड़ेगी ना जन्माष्टमी, कथा के बीच में पड़ेगी जन्माष्टमी और भगवान कृष्ण का महोत्सव लोग मनाएंगे, जन्माष्टमी भी मनाएंगे, आप और हम भी मनाएंगे, खूब जन्मोत्सव भी हो पड़ेगी। पर क्या श्रीमद् भागवत कथा कहती है, क्या भगवान कृष्ण का जन्म केवल जन्मोत्सव एक ही दिन मनाना चाहिए? आज मेरा कृष्ण मेरे हृदय में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरे नगर में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरी रोमावली में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरी चित्तवृत्ति में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरे नैनों में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरी श्रवण शक्ति में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरी श्वासों में प्रकट हुआ है, आज मेरा कृष्ण मेरे हृदय में, मेरे चित्त में, मेरी वृत्ति में प्रकट हुआ। केवल साल में एक दिन भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव नहीं, रोज प्रतिदिन अपने भीतर भगवान के प्रागट्य का जन्मोत्सव होना चाहिए। उसी तरह लोग कहते हैं कि सावन का महीना है तो मुझे मंदिर जाना है, सावन का महीना है तो मुझे त्रिपुंड लगाना है, सावन का महीना है तो मुझे शंकर का गुणगान करना है ना। प्रतिदिन, प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण भगवान शिव को समर्पित होना चाहिए, प्रत्येक पल। नांदेड़ में पहले भी हम आ चुके हैं, जिसको आता है साथ में बोलेंगे, बाबा से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, बड़े भाव के साथ विनती करेंगे, दिल से बाबा को प्रार्थना करेंगे। श्री
शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल का वेश है मंगल का। शमशान वासी शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात भाव के साथ दिल से हृदय से चित्त से तो कहता है। भगवान शिव उसको स्वीकार करते हैं। शिव बुलाते हैं, शिव लाते हैं हमारे बीच में। परम पूज्य श्री बलवंत सिंह बाबा जी साहब पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियां। एक बार जोरदार ताली बजाएं बाबा जी के लिए जो पधारे। पूज्य श्री बलवंत सिंह जी बाबा जी साहब जो नांदेड़ की इस पवित्र धरा पर जितने भी लंगर आदि चलते हैं, श्री गोविंद गुरु गोविंद सिंह जी के आशीर्वाद से वो सब लंगर महाराज जी देखते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा कर उनके लिए साधुता है। बहुत सहज बड़े सरल भाव वाले शिव कृपा। शिव के बिना कौन बोला। देवराज कभी मंदिर नहीं गया था, देवराज कभी शिवालय नहीं गया था कभी भी। देवराज ने कभी शंकर का चौखट शंकर का शिवालय देखा भी नहीं था। देवराज ने कभी शिव का द्वार देखा भी नहीं था कभी नहीं देखा। पर अपने घर में से अगर एक व्यक्ति भी पूर्व में अगर भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करा है तो उसका पुण्य हमारे खाते में जरूर मिला, उसका पुण्य हमारे खाते में जरूर मिला।
अभी कथा के प्रथम में आपको कहा गया कि पुण्यमय धरा है नांदेड़ की, जहाँ पर भगवान देवाधिदेव महादेव भी माँ गोदावरी को अपना उपदेश देने के लिए यहाँ पधारे। ये पुण्यमय धरा है, पवित्र भूमि, और इस पवित्र भूमि पर बैठकर अगर हमें एक मिनट का भी, एक क्षण का भी, एक घंटे का भी, पांच मिनट का भी अगर शिव तत्व ग्रहण कर रहे हैं तो समझिए कहीं शिव की ही उदारता, शिव की उदारता। देवराज कभी मंदिर नहीं गया था। ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेना एक अलग विषय है, पर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद ब्राह्मण तत्व धारण करना एक अलग विषय। ऐसे कई लोग हैं संसार में जो कह देते हैं कि हम इतने ऊंचे कुल में हमारा जन्म हुआ है, हमारा इतना ऊंचा कुल है, हम इतने ऊंचे कुल में जन्मे। अब ऊंचे कुल में जन्म तो ले ले व्यक्ति, पर ऊंचा कर्म भी तो करे। और मालूम पड़ा ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद, अगर उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर आप उच्च कर्म नहीं कर पाए तो आपका जीवन बेकार। ब्राह्मण के घर में जन्म ले लो, क्षत्रिय के घर में जन्म ले लो, वैश्य के घर में जन्म ले लो, शूद्र के घर में जन्म ले लो, किसी के भी घर में जन्म ले लो, क्योंकि परमात्मा ने जब तुम्हें पैदा करा तब वो ये देखकर पैदा नहीं करा कि तुम ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। परमात्मा ने जब पैदा करा तो बस ये देखकर पैदा करा कि भारत की भूमि पर सनातनी को जन्म दे रहा हूं, एक सनातन धर्मी को जन्म दे रहा हूं। ये जाति में, ये बिरादरी में, ये भेद में तो हमने अपने आप को डाल दिया। ये जाति में जो बांटा जा रहा है ना, आज सनातन धर्म को लोगों ने जाति में बांट दिया, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र है, इसने ऐसा करा, उसने वैसा करा। हमारी समाज ज्यादा है, हमारी जाति ज्यादा है, हमारे वर्ण के लोग ज्यादा हैं, हमारा वोट बैंक ज्यादा है। ये केवल लोगों ने अपनी अपनी सोच बनाने के लिए, अपना जाल बिछाने के लिए लोगों को बांटा है। पर शिव कथा कहती है, शंकर भगवान का संवाद कहता है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, सारे देवताओं में सभी देवताओं का किसी ना किसी से द्वेष भाव रहा होगा, पर 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका किसी से द्वेष नहीं है। रावण भी जिनकी पूजन करता है, कंस भी जिनकी पूजन करता है, हिरण्यकशिपु भी जिनकी पूजन करते हैं, राम भी जिनकी पूजन करते हैं, कृष्ण भी जिनकी पूजन करते हैं, कृष्ण भी जिनकी पूजन कर रहे हैं। देवी भी जिनकी आराधना कर रही, इंद्र भी जिनकी आराधना कर रहा, ऐसा कोई देव इंद्र की विवाद, इंद्र का द्वेष, कई बार भगवान विष्णु का द्वेष, कई बार ब्रह्मा जी का द्वेष कहीं उत्पन्न हो जाता है कि भगवान नारायण से ये जलने वाले आ गए, कहीं इनसे ईर्ष्या रखने वाले आ गए, कहीं इंद्र से ईर्ष्या रखने वाले, कहीं ब्रह्मा जी से ईर्ष्या रखने वाले, पर शंकर भगवान से कोई ईर्ष्या रखे ये कहीं नहीं हो सकता। शिव से किसी का द्वेष, शंकर से किसी का बैर नहीं। और कितना दिया, जो आया उसको दे दिया। अब जैसे शंकर भगवान का किसी से द्वेष नहीं है, वैसा ही शंकर का भक्त होना चाहिए, शिव भक्त का किसी से द्वेष नहीं होना चाहिए। दुनिया के लोग आपसे द्वेष करें चल जाएगा, दुनिया के लोग आपको गाली दे चल जाएगा, दुनिया के लोग आपको आड़ा टेढ़ा बोले चल जाएगा, दुनिया के लोग आपको ताना दे चलेगा, दुनिया के लोग आपको अपशब्द कहें चलेगा। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है, अपने चाहने वाले कम हो जाए चलेगा, पर अपने जलने वाले कम नहीं होना चाहिए। चाहने वालों की संख्या कम हो जाए चल जाएगा, पर जलने वाले, ईर्ष्या करने वाले कम ना हो।
क्यों? चाहने वाले एक दिन तुम्हारे को अपशब्द कह सकते हैं, पर जो चाहते ही नहीं है वो कभी तुम्हारे लिए अच्छा बोल ही नहीं सकते। तो कम से कम तुम्हें मालूम तो पड़े कि हमारे चाहने वालों की संख्या कम हो पर ईर्ष्या करने वालों की संख्या कम ना हो, बढ़ना चाहिए। बड़े शिव जैसी भक्ति रखो। भगवान शंकर का कोई द्रोही नहीं, भगवान शंकर का कोई दुश्मन नहीं, पर जब जब उपद्रव मचता है तब भगवान शंकर आकर खड़े होते हैं, भगवान शिव आकर खड़े होते हैं। जब जब उपद्रव मचता है शिव सम्मुख आ जाते हैं, शिव सामने आ जाते हैं। और क्यों ना आए, एक पत्र देखिए,